So this is first lecture of the chapter alternating current. Here na we'll discuss LCR circuit. So before we start the alternating current, you must know about direct current. So in case of direct current, let's say also called DC current, it is a unidirectional current. Unidirectional current means same direction. Follows only in one direction. For example, na this is one of the graph. Time ka sath current change nahi hota hai. Current constant hai. One of the example of DC current. Ye bhi DC current hai. Dekho, sab current positive mein hai. Same direction, positive. Okay. Yahan pe bhi dekho, sirf negative hai. Negative. Only negative. Negative. Same direction. Only negative current. ठीक है. दिस इज सिंपल ऑफ डीसी करंट. डीसी डायरेक्ट करंट. करंट पॉजिटिव से कहा जाता है नेगेटिव. बट ना अल्टरनेटिंग करंट मींस व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन. जैसे ये ग्राफ है, देखो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है. करंट जब पॉजिटिव नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स, कंटीन्यूअसली डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, हियर आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हियर आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, सो इसका जो सिंबल होगा ये सिंबल होता है. ऐसे सोर्स का ये सिंबल है. दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, ऐसे करंट, ऐसे सोर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऐसे करंट. जनरली आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ये इंस्टेंटेनियस होता है. डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस करंट होगा. I standard is R N S. I average मतलब Q by T. ठीक है, फिर देखो हम लोग I standard is अगर लिखेंगे तो I dQ by dt. dQ is equal to क्या होगा, I dt. इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, dQ I dt. dQ मतलब क्या होगा, Q. Q is equal to integration of I dt. So ये तो formula है, पर numerical कंडीशन में नहीं, ये formula चाहिए. आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का जगह क्या लिखा है, आई डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय क्या होगा, डी टी. ओके, डी टी. सो एक न्यूमेरिकल करो. क्वेश्चन नंबर वन, इफ आई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड. एवरेज करंट इन 2 सेकेंड. सो आई एवरेज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज है, 0 to 2 सेकेंड हुआ, 0 to 2 सेकेंड. बाकी तो ऐसे जिससे आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3t² डी टी, डी टी. फिर क्या होगा आपका, टी तो सामने आ जाएगा. सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 3. इंटीग्रेशन में प्लस एक बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो जाता है, 0 to 2. और डी टी का क्या होगा, टी डायरेक्ट हम टी भी लिख सकते हैं, बात में टी है ना, इंटीग्रेशन डी टी मतलब टी. ओके, सो अभी देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, टी को 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 8. यहाँ पे भी टी का वैल्यू कितना होगा, 2. लोअर रूट तो 0 है, उसको नहीं चाहिए. 8/2 मीन्स व्हाट, 8/2 मीन्स 4 एम्पियर. यहाँ पे आई का जो एवरेज वैल्यू है डेट इज 4 एम्पियर. नेक्स्ट मेनली ना हम लोग करंट रिलेटेड, ऐसे करंट के रिलेटेड 3 टर्म्स मेनली आएगा. ठीक है, एक आएगा आपका मेनली, एक तो हो गया इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हो तो हम लोग को मालूम है. नेक्स्ट है आपका एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट. सो मैं एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा किस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है. सो इस केस में अगर आई एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल. ओके, फुल साइकिल कितना होगा, +2 -2 +2 -2 +2 कितना होगा, 0. लेकिन हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, आई एवरेज हाफ साइकिल कितना होगा,
एम्पियर होगा। अगर ऐसा करते हैं हाफ साइकिल के लिए तो आपको मिल रहा है वैल्यू, बट फुल साइकिल के लिए क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इस ये केसेस में ना थोड़ा एनालिसिस होगा। अगर मैं आई स्क्वायर निकालते हैं, आई स्क्वायर फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए पहले निकालते हैं, हाँ फुल साइकिल के लिए निकालते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका फोर प्लस फोर, क्योंकि माइनस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगा, तो फुल साइकिल के लिए कितना आ रहा है, एट आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग अभी इससे कंक्लूजन करके ना हम लोग आई एवरेज फुल साइकिल के लिए कभी भी नहीं निकाल सकते। एंड से भी क्वेश्चन आता है, आई एवरेज पर फुल साइकिल पर एसी गार्डन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। आई एवरेज किसके लिए होता है, हाफ साइकिल के लिए होता है। तो फुल साइकिल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। पहले हम लोग वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से क्या होगा, जो नेगेटिव पल्स है या नेगेटिव करंट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, रूट ओवर लेंगे, विल टेक रूट ओवर दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तभी लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है तब जब कुछ वैल्यूज नेगेटिव में होता है, कुछ वैल्यूज क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। सो जो हाउस होल्ड करंट होता है ना, होम एप्लीकेशंस में जो यूज होता है, हाउस होल्ड करंट का सिग्नल इस टाइप का होता है। ये करंट का करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये वोल्टेज वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ है। तो ऑलरेडी हम लोग वेव फंक्शन पढ़ा है ना, इस टाइप का वेव फंक्शन का। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन थीटा होता है यहाँ पे, जब थीटा है, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा बाई टी। सो फुल साइकिल के लिए क्या होगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा कितना होगा, टू पाई बाई टी। ये देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आपका टू पाई बाई ओमेगा। ये सब फॉर्मूला थोड़ा देर में आपको जरूरत होगा। जैसे ये जो आई नॉट है, दैट इज पीक करंट मीन्स मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट आप खुद देख सकते हो यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो होगा, साइन जीरो जीरो। देखो यहाँ पे पिक करंट जीरो है, मतलब करंट जीरो है यहाँ पे। इस पॉइंट में भी देखो, यहाँ पे देखो थीटा 90 है, साइन 91 है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट। यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट। यहाँ पे भी कितना है, थीटा 180, साइन 180 कितना है, जीरो है, तो आई करंट जीरो है। यहाँ पे क्या होगा, 270, साइन 270 माइनस 1, आर इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। तो इक्वेशन जैसा है करंट भी ऐसे ऐसे जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इस केस में वोल्टेज का केस में क्या लिख सकते हैं, ऐसी वोल्टेज ये ऐसे करंट हो गया, ये हो गया, टाइम का साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी वोल्टेज भी क्या होगा, टाइम का साथ कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ये वी नॉट होगा पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ओके, सो दिस टू इक्वेशंस आर, ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों आपका हाउस होल्ड जो करंट है, जो ऐसी करंट है, उसके लिए मेनली यूज होता है। सो हाउस होल्ड करंट का जो हम लोग आई एवरेज लिखेंगे, निकालेंगे पर फुल साइकिल, कभी भी बोर्ड एग्जाम में आता है फुल साइकिल व हाफ साइकिल, हम लोग को पता है फुल साइकिल के लिए क्या होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तब भी हम लोग इक्वेशन से निकाल के देखते हैं। तो आई एवरेज ये फॉर्मूला थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। ओके, सो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो टू टी एक साइकिल के लिए है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। सो आई का जरा क्या लिखेंगे हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी। यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन कैपिटल टी, डायरेक्ट कर दिया इसको। फिर यहाँ पे देखो माइनस आई नॉट, सॉरी आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, पीक वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय व्हाट टी, सॉरी टी नहीं ओमेगा, इंटीग्रेशन तो आता है ये सब, क्या होगा जीरो टू टी बाय कैपिटल टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट क्या होगा माइनस कॉस
माइनस को पहले बाहर निकाल देते हैं, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 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 को पहले भी हाल लेते थे, ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो कॉस जीरो। ओके सो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा वहां पे क्या होगा टू पाई बाय ओमेगा, ठीक है जगह क्या पुट करो टू पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस जीरो बाय ओमेगा इंटू टू पाई बाय ओमेगा। सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, यहाँ पे भी ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस आई नॉट यहाँ पे कॉस टू पाई का वैल्यू क्या होता है वन माइनस कॉस जीरो का वन होता है बाय क्या होगा टू पाई, इसका मतलब है आपको ये कितना आ रहा है माइनस वन वन माइनस वन जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, आई और इसका वैल्यू कितना है जीरो, ठीक है इसको डेरिवेशन करके देखना और बहुत आसान है मैथमेटिक्स से मेनली। सो मेनली वी हैव टू फाइंड आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल प्रीवियस जैसे ही है लेकिन यहाँ पे हम लोग हाफ साइकिल के लिए करेंगे, हाफ साइकिल मतलब टी बाई टू टाइम के लिए, कॉम्प्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या होता है कैपिटल टी, सो लिमिट होगा जीरो टू टी बाई टू, यहाँ पे भी जीरो टू टी बाई टू आई डी टी, आई डी टी मतलब क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, सो डायरेक्ट मैंने डी टी का इंटीग्रेशन करके क्या पुट कर दिया अपर लिमिट लोअर बाउंड जीरो होगा टी बाई टू, और इस केस में क्या होगा कॉस ओमेगा टी क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है तो माइनस को डायरेक्ट सामने ला दिया और आई नॉट को भी सामने ला दिया, सो बाकी जीरो टू टी बाई टू होगा लिमिट। अभी देखो टी का जगह पुट किया मैंने और इस ओमेगा में भी नीचे लेके आ गया, ये ओमेगा को नीचे लेके आया टी का जगह पुट किया टू पाई बाय ओमेगा, बाकी टू तो पहले से था ओमेगा पहले से ही है और इस पार्ट में क्या होगा कॉस ओमेगा टी बाई टू और जीरो, तो बाकी ये एज इट इज से माइनस आई नॉट, ओके उसके बाद कॉस ओमेगा एज इट इज से मैंने क्या किया यहाँ पे जो टी है वो पुट किया टू पाई बाय ओमेगा बाकी एज इट इज से, अभी देखो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसिल टू टू कैंसिल क्या होगा कॉस पाई का वैल्यू कितना है माइनस वन और माइनस फिर कॉस जीरो को वन डिवाइड बाय पाई, सो क्या होगा माइनस माइनस क्या यहाँ पे तो माइनस टू होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी टू आई नॉट मतलब पिक करेंट बाय पाई। अभी आप खुद देखो ध्यान से देखो आई एवरेज वैल्यू ये टू पाई का वैल्यू 3.14 पुट करो यानी आएगा आपका ऑलमोस्ट ना 0.63 का आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली आई नॉट, इसका मतलब है जो एवरेज करंट होता है ना रोटेटिंग करंट का हाफ साइकिल के लिए दैट इज क्या होता है 63% ऑफ, ये इसका मतलब क्या है 0.63 का मतलब क्या है 63% ऑफ पीक करंट हाँ पीक करंट का 63% आएगा, ऐसा भी आएगा देखो मान लो कि ये हम लोग पीक करंट है 100 मान लेते हैं तो एवरेज क्या आएगा हम लोग हाफ साइकिल के लिए, हाँ कॉम्प्लीट के लिए तो पूरा जीरो हो जाएगा, हाफ के लिए आप देखो ये 100 है कुछ आपका जीरो से भी कुछ स्टार्ट है कुछ जीरो से भी स्टार्ट है कुछ वैल्यू 163 का ऊपर होगा कुछ वैल्यू 63 का नीचे होगा, जैसे कि स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में 80 मार्क्स के आसपास आया कुछ सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के आसपास आया, और एवरेज वैल्यू से क्या आएगा मिडिल के आसपास आएगा मिडिल से थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये क्या होगा आपका पीक करंट 100 है तो उसका कितना परसेंट आएगा 63% आएगा, तो इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछेगा पीक करंट दिया रहेगा, सो पीक करंट दिया रहेगा तो एवरेज करंट निकाल लेंगे क्वेश्चन आएगा, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है आप देखो मान लेते हैं कि एक करंट का इक्वेशन दे दिया आई इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, ओके ओमेगा टी और हाँ ओमेगा टी, सो यहाँ पे 100 क्या है पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट बाय आई नॉट, सो यहाँ पे आई नॉट कितना होगा 100 एम्पियर, सो आई एवरेज कितना होगा आई एवरेज, सो आई एवरेज कितना हो जाएगा 63% होगा तो 63 एम्पियर होगा,
फिर और एक टॉपिक आएगा दैट इज IRMS, उसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मेनली तीन टर्म्स आएगा, पीक करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन एक्चुअली कॉम्प्लीट साइकिल के होता है, क्योंकि एवरेज करंट तो हम लोग कॉम्प्लीट साइकिल के लिए नहीं निकल सकते, क्योंकि कॉम्प्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो जो एसी करंट है, एसी करंट का जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोग ना ओमेगा का जगह लिख सकते हैं, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, एंड टी मतलब क्या है, 1 बाई टी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई कितना हो जाएगा एफ। सो अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, या फिर आई नॉट तो पीक करंट हो गया, एक ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। देखो आई इज इक्वल टू मान लो कि 200 साइन 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 1000 पाई टी। सो आपको क्वेश्चन पूछेगा इस ऐसे करंट का, भाई ऐसे सिग्नल का पीक करंट कितना है, तो पीक करंट कितना हो जाएगा, इसमें पीक करंट हो जाएगा आई नॉट 200 एम्पियर। पूछेगा फ्रीक्वेंसी कितना है, आप देखो कंपेयर करके देखो, यहाँ पे आपको पाई टी अवेलेबल है, 2f मिसिंग है, यानी 2f मतलब f फ्रीक्वेंसी हो गया, दैट इज 1000 हर्ट्ज, तो f कितना हो जाएगा 500 हर्ट्ज। या तो इसमें आपको कितने एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 63% निकालो, 63 प्लस 63 कितना हो जाएगा 126 एम्पीयर हो जाएगा, 126 एम्पीयर। तो बोर्ड में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, बट एंट्रेंस के लिए थोड़ा आपको डिटेल जानना होगा, मेनली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट आपको ठीक करना है। ओके सो ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेगा फर्स्ट बुक का, फर्स्ट बुक में ऑलमोस्ट 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग का टॉपिक है RMS, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल होगा, LCR सर्किट, LCR सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हम लोग को डिटेल्स जानना होगा, एंड दैट टू एप्लीकेशन से आ दिया इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। देन वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट में मेनली में सेकेंड पार्ट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, गिव क्वालिटी टाइम, और ये फर्स्ट बुक में भी शुरू से बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जितना डीपली जाओगे कि रियल लाइफ के रियल एप्लीकेशन से इज, सो जितना डीपली जाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आगे जाके भी आपको अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहोगे आगे जाके भी बहुत फायदा होगा, तो बेस बना के रखो। ओके फाइन।